वी द पीपल फाइनेंस, यानी कि मनी मैनेजर, पीपल यानी जो लोग पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, देखेंगे, क्योंकि अभी किसी भी पैसे की कोई आवश्यकता वी द पीपल को है नहीं। जब कभी फ्यूचर में पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो मनी मैनेजर पीपल हैं, फाइनेंस वाले, ये लोग संभालेंगे। इसके लिए जो रिजर्व बैंक में लोग हैं और जो बैंकिंग सेक्टर में सारे लोग हैं, उन्होंने सहमति दी है कि वो वी द पीपल में सारा मनी का मैनेजमेंट संभालेंगे, जैसे बैंक के सिस्टम में होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है नहीं, इसलिए जब कभी आवश्यकता होगी वो बताएंगे। और ये बिल्कुल पारदर्शी रहेगा, इसका ऑडिट भी होगा, वो पैसा हम जितने वी द पीपल में जो लोग हैं वो मांगेंगे उनसे, इस काम के लिए हैं, वो काम को जस्टिफाई करेंगे, काम को देखेंगे, पैसा देंगे, कितना खर्च हुआ उसका ऑडिट करेंगे, बिल लेंगे, सारा कुछ करेंगे, जैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है, ठीक वैसे ही पैसा मैनेज होगा। मगर पैसे को लेंगे कैसे, ये एक सवाल है कि जो वी द पीपल के लोग हैं वो पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, पैसा कैसे आएगा। अब तक जो देखा गया है, लोगों ने संगठन बनाए और संगठन में सबसे जो कैशियर जो होता है, कैशियर का पद, वो उसको देते हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और वीक और उनका गुलाम होता है। ये कमज़ोर और वीक या गुलाम जो उनका होता है उसको कैशियर का पद क्यों देते हैं, ताकि वो चेकबुक पे उससे साइन करा सकें और किसी भी तरह के खर्चे में डाल सकें। सारे संगठनों का यही हाल है, अधिकतर संगठनों में तो जो प्रेसिडेंट है वो खुद ही कैशियर है, यानी उसका घर का मेंबर है या जो कमज़ोर आदमी है, तो वो कभी पैसे का हिसाब वगैरह देते नहीं। उसका नुकसान ये होता है कि जो कार्यकर्ता जो पैसा कलेक्ट करता है उसे पता चल जाता है कि उसका जो प्रेसिडेंट है वो पैसे का हिसाब नहीं देता, तो वो भी पैसा लेके आता है तो कई बार रसीद बुक आती नहीं, पैसे का हिसाब नहीं आता। मैंने बहुत सारे संगठनों में काम किया है और देखा है, रसीदें बुक छपती हैं 1 करोड़ के कलेक्शन की, मगर रसीद बुकें वापस नहीं आती। लोग कलेक्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, वो वापस नहीं आता और उनका कहीं कोई अकाउंट होता नहीं है। उससे क्या नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है कि जो पैसा कलेक्ट करने जाता है वो आदमी करप्ट हो जाता है, तो वो पैसा मार लेता है, तो वो आदमी हमारा जो कार्यकर्ता है वो बेईमान हो गया, बेईमान आदमी संगठन में रुकता नहीं है, वो चला गया तो कार्यकर्ता चला गया, पैसा नहीं आया तो संगठन में पैसा नहीं आया, गलत खर्च हुआ, उससे जो कार्यकर्ता जिसने जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता, तो वो कार्यकर्ता या जो जिससे पैसा लिया है जो मेंबर है, उस दोनों ही परेशान और मायूस हो जाते हैं, तो जो मेंबर है वो भी बेकार हो जाता है, जो कार्यकर्ता है वो भी बेकार हो जाता है, और जो प्रेसिडेंट है वो तो बेकार होता ही होता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ संगठनों में लोगों ने रसीद छपवाई हैं और कुछ लोगों को छोड़ दिया है, वो पहले आपको डराएंगे, धमकाएंगे, देखो हमारी हालत ऐसी होने वाली है, अब ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, और वो पिछले 30 साल से 40 साल से लगातार धमका रहे हैं और डरा रहे हैं, नए नए मुद्दों पर डराते हैं, कभी आरक्षण पर डराते हैं, कभी निजीकरण पर डराते हैं, कभी संविधान चला जाएगा इस पर डराते हैं, और डराने के बाद कहते हैं कि आप पैसा दो, आप पैसा दोगे तो संगठन बढ़ेगा, तो उससे काम होगा। और ऐसी जानकारी मिली है कि जो पैसा है जो लेके आता है व्यक्ति, जो मुकर्रर किया गया है, फिक्स किया गया है, वो जितना पैसा कलेक्ट करता है उसका 60% रख लेता है और 40% आगे जमा करता है, यानी कि एक एजेंटशिप, एक कमीशनबाजी हो रही है सामाजिक संगठनों में कि आप पैसा इकट्ठा करके हमको इतना पैसा दे दो, बाकी पैसा आपका है, क्योंकि आपके पास पैसे का हिसाब तो कभी आता नहीं। मैं एक संगठन में काम करता था, मैंने पैसे का हिसाब मांगा उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति की आंखें फट गईं, उसको लगा कि ये क्या रिवॉल्यूशन होने लगा है, हमसे और पैसे का हिसाब मांग लिया। उसका जो मकसद था वो ये था कि पैसा इकट्ठा करके सारा उसको दे दो और बाकी जो संगठन है उसको अपनी जेब से आप चलाओ, आना जाना सब आपका रहे। तो हमें लगा कि भाई जब पैसे का ही हिसाब नहीं देगा तो ये व्यक्ति ईमानदार है नहीं, यानी जो व्यक्ति पैसा ही मार लेगा वो संगठन में जो भी बाद में कोई चीज़ आएगी सबको मार लेगा। आज तक वही होता आया है, पैसे की वजह से बहुत सारे संगठन खराब हुए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता टूटे हैं। इसलिए जब भी हम आपसे पैसा लेंगे तो जो फाइनेंस वाली जो पूरी कमेटी है, जो फाइनेंस का पूरा सेक्टर है, वो बताएगा आपको पैसा कैसे लेना है। आप जो पैसा देंगे वो पैसा नंबर 1 का होना चाहिए, उस पैसे जो आप देंगे उसका लिंक जो होगा वो फाइनेंस के लोगों से होगा, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपने अगर
आपसे अगर 10 रुपया मांगा गया है तो आप 10 रुपये का व्हाट्सएप देंगे कि ये 10 रुपये मैंने आज इस दिन में इस व्यक्ति को दे दिया, ये इसकी रसीद है। यानी कि आपने जैसे ही पैसा दिया वैसे ही फाइनेंस का जो मैनेजमेंट करेंगे उन लोगों तक खबर आ जाएगी कि इस व्यक्ति ने आज इस समय 10 रुपये दिए। तो जो व्यक्ति कलेक्ट करेगा उसको पैसा लेके जमा करना पड़ेगा ही। फिर जो फाइनेंस वाले लोग हैं उनको पैसा खर्च करने का राइट नहीं होगा, मगर जो और लोग होंगे उनको भी पैसा खर्च करने का राइट नहीं होगा। ठीक ऐसे जैसे भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सिस्टम बनाया है, यानी पैसे का जो मैनेजमेंट होगा वो ठीक ऐसे होगा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संविधान में दिया है। पैसा कलेक्ट होगा तो वो जो फाइनेंस वाले लोग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, उनके पास जाएगा। वो वेरीफाई करेंगे कि जो पैसा आया है वो बिल्कुल ठीक आया है, वहाँ पैसा वो रखेंगे। जिस चीज़ के लिए पैसा खर्च होना है उसकी डिमांड की जाएगी फाइनेंस सेक्टर से कि आप हमें इतना पैसा दे दो, ये कार्यक्रम लगाना है या इस चीज़ के लिए हमें चाहिए। वो पैसा वहाँ से देंगे उस कार्यक्रम के लिए, फिर वो कार्यक्रम के पैसे के खर्च का ब्यौरा भी लेंगे और वो देखेंगे कि वो पैसा उस मद में बिल्कुल ठीक खर्च हुआ है या खाली गप मारने के लिए पैसा ले लिया या मुर्ग मुसलम खाने के लिए पैसा ले लिया या घूमने के लिए पैसा ले लिया। उसको जस्टिफाई करेंगे, उसकी बाकायदा ऑडिट की एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो उनके पास रखी रहेगी, जब भी मीटिंग होगी वो उसको बताएंगे। तो पैसा खर्च करने का अधिकार डायरेक्ट जो गवर्निंग जो लोग हैं उनके पास नहीं रहेगा, ठीक ऐसे रहेगा जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बाबा साहब ने बनाई है। इसलिए पैसे का कोई भी गलत लेन देन नहीं होने दिया जाएगा, पैसा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर पैसे के साथ जो व्यक्ति चले जाते हैं उनसे हम बार बार टूटते हैं, इस टूट को इस बार नहीं होने देना है। इसलिए जब तक आपके पास कोई कॉल नहीं आती और जब तक आप वेरीफाई नहीं करते कि ये पैसा मांगा गया है, तब तक आप पैसे बिल्कुल भी ना दें। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत चालाक हो जो वीदा पीपल के नाम से आपसे पैसे मांगे या कोई पर्ची फर्जी छपवा ले या कुछ करवा ले, आप बिल्कुल भी उसको पैसा ना दें, क्योंकि पैसे की जब डिमांड होगी तो आपको सिस्टम से मिलेगी। जिस व्यक्ति ने आपको वीदा पीपल के अंदर बात की है, जोड़ा है, वो कन्फर्म करेगा, वो बताएगा कि ये पैसा वास्तव में मांगा गया है या नहीं है, और वो इवेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पैसा मांगा जाएगा। उसका मैनेजमेंट ठीक वैसा ही होगा जैसे भगवान बुद्ध ने अपने सिस्टम में किया था, जैसे आनंद चलाते थे, जैसे आनंद फाइनेंस का और सामान का, एक्सचेंज का, लेन देन का सारा मैनेजमेंट करते थे, जो उस दुनिया का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट था। तो इसलिए पैसे का ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल क्लियर है, पैसे की वजह से इस बार संघ या संगठन नहीं टूटना चाहिए। धन्यवाद।